नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं एलएनबी टीवी न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज के खास समाचारों पे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलएन वैष्णव। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए। दमोह संसदीय क्षेत्र क्रमांक 7 जो पिछले 6 माह से रिक्त है, इसमें दमोह के सांसद हुआ करते थे प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने त्याग पत्र दिया, नरसिंहपुर से विधायक बन गए और वर्तमान में वह मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। 6 माह से ये स्थान रिक्त है। इसी रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए भी होगा मतदान। दमोह के जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर ने विस्तृत जानकारी दी आदर्श आचार संहिता के संबंध में। दमोह के संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में स्थानीय पत्रकारों को उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय किए गए दिशा निर्देश की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए कटिबद्ध हैं, लगातार कार्यवाही चल रही है, किस प्रकार दिशा निर्देश आए हैं, किस प्रकार के कार्य किए जाना है, इसके संबंध में उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। लॉ एंड ऑर्डर किस प्रकार होगा, इसके संबंध में नवागत पुलिस अधीक्षक सुरत कृति सोमवंशी ने भी विस्तृत जानकारी दी। यदि मान लीजिए कोई हमारे अभ्यर्थी हैं और वो ऑनलाइन नामांकन करना चाहते हैं, अब जरूरी नहीं है कि हम केवल ऑफलाइन करें, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा प्रदान की गई है और इस सुविधा का नाम ही सुविधा रखा गया है, जो कि एक वेब एप्लीकेशन है जिस पर जाकर के कोई भी अभ्यर्थी जो है अपना ऑनलाइन नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये सी विजिल ऐप के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो ऐप है इसका प्रयोग करते हुए ईवीएम्स के संबंध में हमेशा से पॉइंट आता रहा है, उसके संबंध में जितनी भी भ्रांतियां हैं, उसके संबंध में जितनी भी जानकारी है वो जनता तक पहुंच पाए, जनता की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम तक पहुंच पाए, उसके लिए भी समुचित प्रयास किए जाएंगे। स्ट्रॉन्ग रूम के लिए अलग से एक व्यवस्था का हम लोग प्लान कर रहे हैं ताकि उसकी स्ट्रॉन्ग रूम की व्यवस्था जो है वो अच्छे से हो पाए। इसके अलावा जितने भी दमोह जिले में नाकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट काफ़ी सारे हैं, तो उनकी भी समुचित व्यवस्था पुलिस विभाग द्वारा की जाएगी। एसएससी, एफएससी, वीडियोग्राफी टीम और भी अन्य प्रकार के जितने भी उपक्रम हैं उसमें पुलिस विभाग जो है वो संपूर्ण एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। अल्टीमेटली इस पूरे प्रोग्राम में जो पुलिस से अपेक्षाएं हैं हम उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी वोटर हैं और जितने भी इन प्रोसेस में शामिल होने वाले कर्मचारी अधिकारी हैं, हमारी सबसे अपेक्षा ये रहेगी कि उनका सहयोग हमें प्राप्त हो ताकि जो ये चुनाव का पर्व है इसको हम शांतिपूर्वक मना पाए और उसके बाद जनता का जो मैंडेट है उसको एंजॉय कर पाए। बिल प्रतिशत था वो करीबन 3% बढ़ा भी था, तो होपफुली कि हम इस बार भी उससे अधिक मदद करेंगे और कोशिश करेंगे कि दमोह में जो भी लोकसभा का पिछला प्रतिशत था मतदान का उससे अधिक मतदान का प्रतिशत हो, और ऐसा होता है तभी हमारी सफलता जो होगा। पूरी कोशिश करूंगा कि जो स्वीप की गतिविधियाँ वो अच्छे से अच्छी तरह से हो पाए। आप सभी के माध्यम से एक अपील करना चाहूँगी कि 1 अप्रैल 2024 तक जो बच्चे 18 वर्ष के हो रहे हैं वो अपना नाम अभी जुड़वा सकते हैं, 1 सप्ताह तक वो अपना आवेदन देके और अपना नाम जुड़वा सकते हैं, और 85 वर्ष से अधिक के जो हमारे वोटर्स हैं वो होम वोटिंग के माध्यम से अपना वोट का उपयोग करेंगे, उसके लिए हमारे BLO उनसे कर दिला के संपर्क करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी जी के सुधीर कुमार कोचर ने बारी बारी से प्रश्नों का उत्तर भी दिया। उन्होंने कहा 85 प्लस
जो बुजुर्ग मतदाता हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा, बेहतर से बेहतर सुविधा मतदाताओं को मिलना चाहिए। संपत्ति विरूपण के संबंध में भी उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मनी पावर, मसल्स पावर और साथ में मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी हम ध्यान रखे हुए हैं, लगातार कार्रवाई जारी है। किस प्रकार आदर्श आचार संहिता में दिए हुए प्रावधान हैं उसके संबंध में उन्होंने विस्तृत जानकारी दी है। कि निर्वाचन आयोग के द्वारा अपने कार्यक्रम घोषित किया गया है उसके अनुसार जो है 26 अप्रैल जो मध्य प्रदेश में कुल 4 चरणों में चुनाव है और 26 अप्रैल को जो है हमारे यहाँ पर मतदान का पर्व संपन्न होने वाला है और मतगणना जो है 4 जून को एक साथ सभी जगह पर होगी। तो मतदान के लिए और मतगणना के लिए हमारी पुख्ता तैयारियाँ लगातार चल रही हैं और इसे हम शीघ्र चरणबद्ध रूप से अंतिम रूप देना हमने प्रारंभ कर दिया है और लगातार उस पर काम चल रहा है। और अब सर्वोच्च प्राथमिकता जो प्रशासन की है वो निर्वाचन ही है, उसी पे हमारा फोकस सबसे ज़्यादा रहेगा और उसी के लिए हम लोग पुलिस और जिला प्रशासन मिल करके काम करेगा। मैं आप सबके माध्यम से एक बार फिर दमोह लोकसभा क्षेत्र की जनता से मैं अपील करना चाहूँगा, यहाँ के मतदाताओं से मैं अपील करना चाहूँगा कि लोकतंत्र का पर्व एक बार फिर हमारे दरवाजे पर आया है। हम सभी मतदाताओं का ये कर्तव्य बनता है कि इस पर्व में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यही मताधिकार जो है इस लोकतंत्र को सशक्त बनाने का सबसे बड़ा माध्यम है। धन्यवाद। दमोह संसदीय क्षेत्र 3 जिलों की विधानसभाओं से मिलकर बना हुआ है। बता दें हम आपको, दमोह की 4 विधानसभाएं, इन्हें हटा, दमोह, पथरिया और जबीरा, सागर की 3 विधानसभाएं क्षेत्र बंडा, रेहली और देवली, वहीं छतरपुर की बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र भी इसी दमोह संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 19 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का यहां पर प्रयोग करेंगे और जो मतदान केंद्र हैं वह 2285 यहां पर बताए जाते हैं। फिलहाल में निर्वाचन शांतिपूर्ण संपन्न हो इसकी तैयारियां जो चल रही थी उनको और अधिक गति देने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस संबंध में जानकारी प्रेस वार्ता में दी गई। Yeah.